नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं राहुल। आज अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज सभी पार्टियों के बड़े नेता अपनी पूरी जोर लगाते हुए नजर आए। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह के दावेदारी को मजबूत करने और समर्थन मांगने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता अमरवाड़ा में होंगे, सभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी आज अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती के समर्थन में वोट मांगेंगे। लेकिन इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाली गोंगपा यानी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी भी आज मैदान में अपने प्रत्याशी देवा रवीन बलवानी के समर्थन में दिखेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, चलिए समझते हैं। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में आता है और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ को हराकर ये बात गलत साबित कर दी। अब एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतकर अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति बनाई रखना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ 2 जुलाई से ही इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए, भावनात्मक अपील करते हुए अपने कामों को गिनाते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी की तरफ से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद विवेक बंटी साहू प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इस चुनाव को त्रिकोणीय और दिलचस्प बनाने वाली गोंगपा है। आखिर गोंगपा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल 2003 में गोंगपा के मनमोहन शाह बट्टी इस जगह से चुनाव जीते थे। हालांकि उसके बाद गोंगपा ने कोई चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब होता है। 2008 में मनमोहन शाह बट्टी दूसरे और 2018 में तीसरे स्थान पर रहे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गोंगपा की सक्रियता की वजह से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को वोट बैंक को नुकसान पहुंचता है। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जीत के कई कारणों में से एक गोंगपा पार्टी की सक्रियता भी रही। दरअसल अमरवाड़ा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ गोंगपा का आदिवासी वोटों पर अच्छा खासा असर है। यदि हम बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ध्यान दें तो रावेन को कुल 55,988 वोट मिले, जिसमें 23,000 सिर्फ अमरवाड़ा से ही मिले। यही कारण है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर सभी उत्साहित हैं। खैर, चुनाव 10 तारीख को है और यह देखना होगा कि जनता जीत का सेहरा किसको पहनाती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।